जो संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। इस वक्त कौन है? ह्यूमर? क्या हुआ? ये दिखाना था तुम्हें। ये क्या है? खोलो तो। हीरो का हार? किसका है? किसका है? मेरा है। मेरे बापू ने दिया है मुझे। बस कहा है कि अभी किसी को दिखाना मत। अब मुझे लगा कि मैं इसे अपने पास कहाँ छुपा कर रखूंगी, कोई भी देख सकता है ना। तो तुम इसे अपने पास रखो संभाल कर। मैं? हाँ ठीक है। लेकिन झूमर तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना महंगा है? सस्ता है या महंगा ये मैं नहीं जानती। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बापू ने दिया है मुझे। झूमर मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे बापू के बारे में ही सोच रहा था। कल तक तुम्हारे बापू तुमसे कोई भी रिश्ता रखने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक वो तुम पे इतना प्यार बरसा रहे और आज ये इतना महंगा तोहफा। झूमर तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? बाप बेटी के प्यार में कुछ अजीब कैसे हो सकता है धीरज? मैंने उनकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखा है कि उसके बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं। खून का रिश्ता है ना, एक ना एक दिन तो तार जुड़ना ही था, तो जुड़ गया। रामवती माँ ने तो माँ का प्यार हमेशा ही दिया था मुझे। शायद इसलिए कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी मुझे। लेकिन पिता की कमी तो बहुत महसूस हुई। अब देखो ना, आज वो भी मिल गया मुझे। पता है धीरज, बाबू का हाथ अपने सर पर पाकर एकदम से मुझे जीने की ताकत मिल गई है। ऐसा लगता है जैसे पिछला सब कुछ बस एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। जीवन तो यही है। तुम कहते थे ना कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। देखो ना, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। झूमर अगर मुझे पता होता कि मेरे कहने से तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएंगी, मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ कह चुका होता तुम्हारे लिए। तुम तो मेरे मन का बड़ा ध्यान रखते हो धीरज। पता है तुमसे बात करने के तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है कि मैं ये कहूं या ना कहूं, बस जो मन में आता है कह देती हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ रहने आ गए, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया।
अंदर। इतनी रात को ये चोरों की तरह कितने जा रहे हैं? कुछ ना यारे, वो चोरों को पकड़ने के लिए चोरों की तरह ही जाना पड़ा है। जैसे लोहा लोहे को काटे। इसको पुलिस में नौकरी कर ली तो रात को चोर नहीं ढूंढने आ रहे। मारे को नौकरी करने की क्या जरूरत है? इतने बड़ी जागीर का मालिक, मेरा मतलब है इतने बड़ी जागीर की मालकिन का दीवर जो ठहरा, मारे को नौकरी करने की क्या जरूरत है? मारे ईंटों के भट्टे पे ना चोरियां हो रही है, ये मारे को अंदर से खबर लगी थी। और बस क्योंकि कौन है वो आदमी जो आपने खबर दे रहे? बहुत ही खास आदमी है, पकड़ आने पे बताऊंगा। एक काम कर, तो हवेली के अंदर जाके ना आराम कर। रात को ऐसे अकेले निकला नहीं करते हैं, खतरा है। इस वक्त तो आप ही सामने हो, आपसे भी खतरा है। के जोगेंद्र, ये मजाक का वक्त ना है बेटा। हमारे पास तो तमंचा है, हमेशा भरा रवे है, और ये पूरा वीरपुर जाने है। बस तो अंदर जाके ना आराम कर। हाँ, इससे सारा वीरपुर जाने आपके भरे हुए तमंचे के बारे में। वैसे ही आप अकीब कर कितने भी किसी से छुपी ना है। अरे बहाना मारे अभी तो फट्टे का, फट्टे की साड़ी पे तो अंदाजन कर लिए ठेकेदारों को पहुंचा दिए। Thank you.
समझ लीजिए आदमी के प्राण हैं ये। ऐसे ही एक सांस लेने से पहले ही इंसान को अंदर से जलाकर खत्म कर देता है ये जहर। करीट को दबा दबा कर धुआं दिखाकर निकाला है ये जहर, एक बूंद ना छोड़ी उसके खातिर। संभालो, काम है इत्मीनान से निपटा लो। वाह, चलो रख लो। ना जी सरकार, आपसे क्या लेना, ठेली वाले तो अन्नदाता हैं, उनसे क्या लेना। हुजूर ऐसे क्या देख रहे हैं, नाक पहचानने वाला क्या इंसान को नहीं पहचानता। आप अम्मा जी के देवर ही हैं ना, आपसे कुछ ना लूंगा, बस आप अपना काम इत्मीनान से करिए।